फिल्म की शुरुआत में हम एंडी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक घर के नीचे अपार्टमेंट में रहता था। सामान्य रूप से वे व्यवस्थित और साफ सुथरा था। उसके पास एक्शन फिगर और वीडियो गेम का विशाल कलेक्शन था और उसके पास एक ऊंचा तकनीक का वीडियो सिस्टम और यहाँ तक कि वीडियो को गेम खेलने के लिए एक कुर्सी भी थी। वो एक 20 साल के बच्चे की तरह रहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो 40 साल का था। अगली सुबह वो जैसे ही उठता है तो हम देखते हैं कि अपनी सुबह की लकड़ी के साथ पेशाब करने के लिए संघर्ष करता है और फिर फल और जूस के साथ एक परफेक्ट नाश्ता बनाता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और ऊपर के पड़ोसी और पत्नी से कुछ बातचीत करता है और उनके साथ एक पिक्चर देखने के लिए आने की योजना बनाता है। फिर अपनी साइकिल पर चढ़ता है और काम पर चला जाता है। वो एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करता था। उसके अंदर वो इन्वेंट्री कंट्रोल के रूम में काम करता था। लोगों की दृष्टि से वह बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वो बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन उसके दोस्त सोचते थे कि वो अजीब है। उन्हें लगा कि वो एक सीरियल किलर है। एक दिन सारे दोस्त मिलकर उसे बताते हैं कि उस रात वे पोकर पार्टी खेलने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए एक व्यक्ति कम है। इसके लिए वे एंडी से पूछने का फैसला करते हैं। एंडी उनके ऑफर को स्वीकार करता है। रात के समय लोग एंडी को आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि पोकर में वो उन सभी को हरा देता है। इसके बाद सभी लोग अपनी यौन कहानियां साझा कर रहे थे और अपने स्कूल की कहानियां बता रहे थे। और जब एंडी की बारी आती है तो वो उनसे झूठ बोलता है और उन्हें पता लग जाता है कि एंडी झूठ बोल रहा है। वे उससे पूछने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि एंडी एक कुंवारा लड़का है। एंडी शर्म से अपने घर चला जाता है और पूरी तरह से शर्मिंदा और अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। उसे पूरी रात नींद नहीं आती है, सुबह तक जागता रहता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो कंपनी में जाएगा तो उसका अपमान होगा। अगली सुबह को एंडी सावधानी से काम पर आता है। उसे पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर एक एक करके उसके दोस्त उसे ताने मारने लगते हैं। वो वहां से शर्म से भागने लगता है, लेकिन उसके दोस्तों में से एक दोस्त उसे रोक लेता है और धीरे धीरे सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। इसके बाद हम 45 मिनट तक देखते हैं कि एंडी कई अलग अलग पार्टियों और क्लबों में जाता है जो सबसे मज़ेदार होता है, लेकिन वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता है। उनमें से सबसे मज़ेदार वाक्य तब होता है जब वे तय करते हैं कि उसे अपनी छाती को वैक्स कराने की ज़रूरत है। अपने दोस्तों के कहने पर वो वैक्स कराने के लिए जाता है, जहां उसे बहुत समस्या होती है। ये कराते हुए उसके दोस्तों को उसके ऊपर हंसी भी आती है। इसके बाद हम उसे थोड़े खून के साथ अपनी शर्ट में घर जाते हुए देखते हैं। एक बार उसके दोस्त रात में उसे घर ले जाने के लिए एक नशे में धुत लड़की को ढूंढने की सलाह देते हैं। उनके करने पर वो ऐसा करता है, लेकिन उसके पास कार का लाइसेंस नहीं था क्योंकि वो साइकिल चलाता था। तभी नशे में धुत लड़की ड्राइव करती है, लगभग उसे मार देती है, और जब भी घर आकर रुकते हैं तो वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है। लेकिन लड़की एंडी के साथ सेक्स करने की पेशकश करती है, लेकिन एंडी सेक्स करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन उसकी कंपनी एंडी को सामान बेचने के लिए मजबूर करती है।